एक नेटवर्क में भारत पाकिस्तान सीमा से हीरोइन चिट्टे की तस्करी करने वाला जो मुख्य आरोपी है उसको सोलन पुलिस ने अटारी बॉर्डर से गिरफ्तार भी किया है। इसका बैकग्राउंड यह है कि 25 सितंबर 2023 को हमारी स्पेशल टीम को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि दक्ष ठाकुर जो कि शून्य यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है उसके पास जो है काफ़ी मात्रा में जो है हीरोइन बरामद हो सकती है, जिस पर जो है हमारे खुफिया सोर्सेज के तहत जो है दक्ष ठाकुर से 25 तारीख को जो है 22 ग्राम जो चिट्टा वो बरामद कर लिया गया था। उसमें उन्हें अरेस्ट किया गया, उनका पुलिस रिमांड लिया गया और बैकवर्ड लिंकेजेस के तहत पुलिस रिमांड में दक्ष ठाकुर ने बताया कि मंगल सिंह नाम का जो व्यक्ति है जो कि अमृतसर अटारी बॉर्डर के पास रहता है, जो कि बॉर्डर से भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पे जो रहता है, तो वो जो चिट्टा है हीरोइन है वो उसने उससे लेके आए थे। तो इस पर हमारी जो टीम थी स्पेशल टीम 27 तारीख को जो है अटारी बॉर्डर गई और उसके घर पर रेड की और वहाँ से उसको अरेस्ट करके लेके आए है। तो इसमें और सारे अभी अक्यूज जो है अभी जिनपे हमने सर्विलेंस रखा है और भी काफ़ी संभावनाएं हैं इसमें अभी अरेस्ट हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि हम जो है जो भी मेन तस्कर है जहाँ से भी मेन सप्लाई होती है चाहे दिल्ली से है, दिल्ली से भी हम जो है नाइजीरियन वहाँ से सप्लाई करते हैं उनको भी अरेस्ट करके लाए हैं, चंडीगढ़ और पंजाब के भी जो सोर्सेज थे उनको भी हम अरेस्ट करके लाए हैं। और इस बार जो है जो एक नया सोर्स जो हमें पता चला जो कि अटारी बॉर्डर जो कि जहाँ से पाकिस्तान से हीरोइन इस साइड को आती है तो वहाँ से भी हम जो है बैकवर्ड लिंकेज के तहत वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो इसका भी हमने अभी तक 13 दिन का पुलिस रिमांड ले लिया है, आज भी इसको पेश किया गया है मंगल सिंह को, अब जो है 3 दिन का इसका फर्दर रिमांड है ले लिया है और इसमें फर्दर जो है पूछताछ की जाएगी इसके सोर्सेज और नेटवर्क के बारे में। तो सोलन पुलिस के द्वारा पिछले 3 महीनों में अभी तक जो है 32 सप्लायर जो कि दिल्ली पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश जो बाहरी राज्य के हैं अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें 4 अफ्रीकी मूल के नागरिक नाइजीरियन भी शामिल हैं और बाहरी राज्यों से तस्करी द्वारा हिमाचल प्रदेश में चलाए जा रहे हैं ये चिट्टे के जो अभी तक के जो रैकेट्स हैं, अभी पिछले 3 महीने में हमने 6 रैकेट बस्ट किए हैं और ताकि जो है इसमें जो है सैकड़ों युवाओं को चिट्टे की आपूर्ति बंद हुई है ताकि हमारा जो मेन ध्येय है सोलन पुलिस का हिमाचल पुलिस का जो बाहर से जो सप्लाई आ रही है हम उसी को ही रोकना चाह रहे हैं ताकि जो है हमारे बच्चे जो हमारा यूथ है इस चिट्टे की नशे से जो बच सके। धन्यवाद। यहाँ पे जितने गांव में जो बच्चे अभी इस चीज को आगे सप्लाई कर रहे हैं उन्हीं युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए अभी तो सबसे पहला जो हमारा मकसद है जो पिछले 3-4 महीने से जो डायरेक्शन है एसपी साहब का भी हमारा पूरी टीम का यही मकसद है कि हम बाहर से जो सप्लाई आ रही है उसको ही हम रोक दें। जब बाहर से सप्लाई बंद हो जाएगी तो नेचुरली जब यहाँ चिट्टा नहीं मिलेगा तो वो भी नहीं आगे बेच पाएंगे। तो संदेश यही है कि इस लत को छोड़ो और अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हो, कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो और कोई अच्छा ऐसा काम करो जिससे आपकी हेल्थ भी और अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। इनके लिए यही मेरा संदेश रहेगा कि जो ये नशा है ये मतलब बिल्कुल ही सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, सोसाइटी के लिए भी ठीक नहीं है। तो हमें अपनी सोसाइटी को सुधारना है, सेहत को सुधारना है और अच्छा काम अच्छी एक्टिविटीज़ में जाएं, यूथ को ऐसा कुछ काम करके दिखाएं ताकि दूसरा यूथ भी आपसे जो है इम्प्रेस हो के आपसे प्रभावित होके अच्छे एक्टिविटीज़ में काम करें।